आज के इस वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम की चर्चा करेंगे। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवयव है जो कि आनुवंशिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुणसूत्र जो है या क्रोमोसोम सभी कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाने वाला सूत्रवत संरचना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम पर ही जो शरीर के सारे जीन हैं वो स्थित होते हैं। क्रोमोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका द्रव्य का न्यूक्लियॉइड भाग होता है जिसको हम केंद्रकाभ कहते हैं, वहाँ पर यह पाया जाता है। यानी जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है वह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अंग्रेजी में इसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो है वह ग्रीक भाषा के क्रोमा मीन्स कलर्ड यानी रंगीन और सोमा मीन्स बॉडी यानी ऐसी संरचना जो रंगीन होती है। रंगीन का मतलब यह है कि जब हम इसको विशेष स्टेन की सहायता से स्टेन करते हैं तो यह कोशिका के अंदर बहुत ही गहरा कलर लेता है और एक कलरफुल बॉडी के रूप में दिखाई देता है, तो उसके आधार पर इसको क्रोमोसोम कहा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण संरचना है ये। और इसकी स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि जो आज का ज्ञान है गुणसूत्रों के बारे में वो कैसे विकास के क्रम में धीरे धीरे विकसित हुआ और अलग अलग वैज्ञानिकों के प्रयास से सामने आया। तो इसमें सबसे पहले सन 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग है और इन्होंने जो है वो एक टर्म क्रोमेटिन को प्रपोज किया। क्रोमेटिन टर्म को प्रपोज किया वाल्टर फ्लेमिंग प्रपोज्ड क्रोमेटिन टर्म फॉर किसके लिए और दी मटेरियल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि वाटर फ्लेमिंग ने 1878 ईस्वी में उन संरचनाओं को जो कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं सूत्रवत होते हैं यानी थ्रेड लाइक होते हैं एंड टेक्स यानी कि लेते हैं डार्क स्टेन ड्यूरिंग स्टेनिंग यानी स्टेनिंग के दौरान जो गहरे रंग के दिखते हैं केंद्र के अंदर पाए जाते हैं और सूत्रवत संरचना होते हैं उनके लिए वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द का यूज किया। उन्होंने कहा कि क्रोमेट जो कुछ केंद्र के अंदर जो सूत्र के समान संरचनाएं पाई जाती हैं और स्टेनिंग के दौरान गहरे रंग की दिखाई देती हैं वह क्रोमेटिन है यानी क्रोमेटिन शब्द इसके लिए
1878 में इन्होंने यूज किया। इसके बाद आते हैं डब्लू राउक्स हैं, और इन्होंने सन 1883 में काफी महत्वपूर्ण बात कही। 1883 में सस्पेक्टेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमैटिन इन ट्रांसफर ऑफ जो डब्लू राउस थे 1883 में इन्होंने इस बात का संदेह व्यक्त किया कि यह क्रोमैटिन ही है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। लेकिन जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सस्पेक्टेड, यानी कि वो निश्चित नहीं थे कि एकदम एक्यूरेटली यही है, लेकिन उन्हें यह संदेह हुआ कि ये क्रोमैटिन है जो जो हमारे कैरेक्टर हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद सन 1888 में एक दूसरे साइंटिस्ट हैं बेंडल एंड बोवेरी, ये एक्चुअली 1887 में है, 1887 में बेंडन एंड बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ये बताया कि द नंबर ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, यहाँ नंबर आप कह सकते हैं या कंटेंट ऑफ यानी मात्रा, कंटेंट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, द नंबर ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल इज कांस्टेंट इन ईच स्पीसीज या इन इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीसीज, इसका मतलब यह है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही बेंडन और बोवेरी ने। उन्होंने कहा कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये प्रत्येक प्रजाति के सभी जीवों में समान होता है, इसकी मात्रा प्रत्येक जो एक ही जात के जितने भी सदस्य हैं उन सब में समान होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही। और इसके बाद 1888 में एक दूसरे वैज्ञानिक हैं डब्लू वाल्डियर, इन्होंने क्वाइंड द टर्म क्रोमोसोम, और क्रोमैटिन मटेरियल। तो जो क्रोमोसोम नाम है वो वाल्डियर ने दिया और 1888 ईस्वी में इन्होंने दिया। इसलिए क्रोमोसोम, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, क्रोमो मीन्स कलर होता है, सोम मीन्स बॉडी यानी संरचना है। तो कॉइन द टर्म क्रोमोसोम फॉर क्रोमैटिन मटेरियल टेकिंग डार्क स्ट्रेन एंड फाउंड इन न्यूक्लियस में वह पदार्थ जो कि काफी गहरा स्ट्रेन लेते हैं
उनके लिए इन्होंने क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल किया, यानी इट वाज वर्डियर हु कॉइंड द टर्म क्रोमोसोम फॉर द न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल फाउंड इन न्यूक्लियस विच इज टेकिंग डार्क स्टेन ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसेस। अब इसके बाद 1902 के आसपास का जो समय था काफ़ी इम्पोर्टेंट समय था, और इसमें सटन और बोवेरी दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने WS सटन एंड बोवेरी प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। यानी कि 1902 ईस्वी में WS सटन और बोवेरी ने आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसमें यह बताया कि ये गुणसूत्र हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। यानी कि अब इन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी जो कि राउक्स ने काफ़ी पहले सस्पेक्ट किया था। राउक्स ने 1883 में ही यह सस्पेक्ट किया था कि क्रोमेटिन मटेरियल कहीं ना कहीं लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में इन्वॉल्व हैं, और ये जो है राउक्स सस्पेक्टेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमेटिन इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। इसको जो है प्रूव किया 1902 ईस्वी में WS सटन और बोवेरी ने, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी प्रस्तुत की, यानी आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसमें इन्होंने बताया कि ये गुणसूत्र हैं जो कि जो लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसके बाद जो इसमें अगली महत्वपूर्ण खोज हुई वो इनकी संरचना के बारे में था। सन 1965 1965 में डपरा ने फोल्डेड फाइबर मॉडल जो इनकी संरचना का है, फोल्डेड फाइबर मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन, इन्होंने जो गुणसूत्र की संरचना है उसके बारे में इन्होंने फोल्डेड फाइबर मॉडल 1965 में पेश किया। और हम लोग जानते हैं कि 1962 में वाटसन एंड क्रिक ने भी DNA का मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी जो DNA होता है उसका इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था। और एक्चुअली जो गुणसूत्र होते हैं वो DNA से ही निर्मित होते हैं, DNA के अणु होते हैं, तो इस हिसाब से जो है इनका भी काम काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके बाद 1965 में डपरा ने फोल्डेड फाइबर मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को प्रस्तुत किया, और इसमें इन्होंने यह बताया कि जो गुणसूत्र है वो हाईली फोल्डेड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ DNA की बनी होती है, जो कि प्रोटीन से कवर होती है। तो इसमें जो है जो डपरा का मॉडल था इसमें इन्होंने यह बताया कि जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉइल्ड
मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए रेप्रिन ये आउटर प्रोटीन। यानी कि अब यहाँ तक आते आते ये चीज स्पष्ट हो गई कि जो गुणसूत्र है वो उनमें दो पार्ट हैं, एक तो जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है डीएनए है, और दूसरा इसमें कुछ प्रोटीन है जो इसको कवर करती है इसकी संरचना को। इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो गुणसूत्र है वो डीएनए के का सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो कि काफ़ी वाइड होता है और बाहर से प्रोटीन के द्वारा ये कवर होता है, घिरा होता है। और इसके बाद आता है 1974, इसमें आर डी कोर्टबर्ग ने जो इनकी संरचना से संबंधित है न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रस्तुत किया। और भी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो 1974 में आरडी कोनबर्ग ने न्यूक्लियोसोम मॉडल गुणसूत्रों के लिए प्रस्तुत किया। और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो हमारा डीएनए सूत्र है वो कॉइलिंग उसकी होती है और एक काफ़ी लंबा मॉलिक्यूल वो एक छोटे से स्थान में जो केंद्रक हमारा काफ़ी छोटा भाग है कोशिका का उसके अंदर ये स्टोर हो जाता है, उसके अंदर ये समाया हुआ होता है। जबकि अगर इसको खोल के हम देखें तो ये काफ़ी लंबा मॉलिक्यूल होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और इस उस छोटे स्थान में कैसे ये अरेंज होता है इसके लिए उन्होंने न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रस्तुत किया। इन सभी मॉडलों को हम लोग आगे इनकी संरचना में पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ये रहा इनका इतिहास जिसमें जो है इस पूरे डीएनए की खोज हुई, जो है डीएनए से संबंधित ज्ञान हुआ। ये सभी केंद्रक में पाया जाता है। 1878 में वाटर फ्लेमिंग ने सबसे पहले केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली सूत्रवत संरचनाओं के लिए क्रोमेटिन शब्द दिया था। 1883 में राउक्स ने इस बात का संदेह किया कि ये क्रोमेटिन ही गुड़ जो गुड़ है लक्षण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। बेंडन और बोवेरी ने ये बताया कि इनकी मात्रा एक जाति के सभी जीवों में समान होती है, या दूसरी में अगर आज के समय में कहें तो जो गुणसूत्रों की संख्या है वो सभी प्रजाति के सदस्यों में एक जैसी होती है। यानी कि कोई एक जाति है उसके सभी सदस्यों में एक होती है। अगर मनुष्य की बात करें तो सभी मनुष्यों में यह जो 46 गुणसूत्र हैं 46 ही होती है। तो ये जो है बेंडन एंड बोवेरी ने 1887 में बता दिया था। और 1888 में वाल्डेयर ने इनके लिए क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये स्टेनिंग के दौरान बहुत गहरा स्टेन लेते हैं, बहुत गहरे रंग के दिखाई देते हैं। इसलिए क्रोमा मीन्स रंगीन और सोमा मीन्स बॉडी यानी रंगीन संरचना का नाम इन्हें दिया था। 1902 में W.S. सटन और बोवेरी ने गुणसूत्रों का आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी प्रस्तुत किया, जिसमें ये बताया कि क्रोमोसोम ही गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। और 1965 में डफरा ने इन गुणसूत्रों की संरचना से संबंधित जो है वो फोल्डेड फाइबर मॉडल प्रस्तुत किया। ये जो है हमारा फोल्डेड फाइबर मॉडल इसको इन्होंने बताया। और इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक गुणसूत्र एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो काफ़ी फोल्डेड होता है और प्रोटीन के द्वारा घिरा होता है। 1974 में और अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया आरडी कोर्टबर्ग ने, जिसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। यह मॉडल यह बताता है कि जो कॉइलिंग है डीएनए की वो किस तरीके से होती है, जिससे वह कॉइल होके बहुत कम स्पेस में समा जाता है। और इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में कई सारे ऐसे
गुणसूत्र वो छोटी सी जगह केंद्र के अंदर समाये होते हैं। तो ये रहा इनका इतिहास, इनसे संबंधित कुछ खास खास खोजें। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और गुणसूत्रों के नंबर की बात करते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ये एक जात के सभी जीवों में बराबर होते हैं, एक जाति के सभी जीवों में इनकी संख्या समान होती है। किसी प्राणी से संबंधित जो कोशिकाएं हैं उनमें दो प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या देखने को मिलती है, जो दैहिक कोशिकाएं हैं, हमारी सोमैटिक सेल जिनको हम कहते हैं, दैहिक कोशिका या सोमैटिक सेल, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है इनकी संख्या को हम द्विगुणित संख्या कहते हैं, द्विगुणित संख्या, अंग्रेजी में डिप्लॉयड नंबर कहते हैं, डिप्लॉयड संख्या कहते हैं। जैसे हमारी यानी मनुष्य की, मैन की जो दैहिक कोशिकाएं हैं, सोमैटिक सेल हैं, सोमैटिक कोशिका में कुल गुणसूत्र वो 46 होते हैं। तो ये जो 46 की संख्या है ये एक द्विगुणित संख्या है, अर्थात ये दो ऐसे सेट मिलके 46 बनते हैं जिनको हम एक जैसे दो सेट में बांट सकते हैं। तो एक तो दैहिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है और दूसरा जो है वो युग्मक या गैमीट में पाए जाने वाली संख्या होती है, और इनमें पाए जाने वाले सूत्रों की संख्या को अगुणित कहते हैं, यानी मूल जो सेट है वो इसमें होता है तो अगुणित कहते हैं, हैप्लॉयड अंग्रेजी में कहते हैं, हैप्लॉयड कहते हैं। और ये दैहिक कोशिका की आधी होती है, क्योंकि जो दैहिक कोशिका है उसी के दो भाग में बंटने से युग्मक बनते हैं, तो ये दैहिक कोशिका की आधी होती है। यानी कि अगर मैन की बात करें तो मैन के जो युग्मक हैं उनमें ये 23 होती है, 23-23 होती है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में। और हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे मेल और फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर ये संख्या जो है वो 46 हो जाती है, यानी कि ये संख्या स्टोर हो जाती है। इस अगुणित संख्या को ही हम जीनोम कहते हैं, अगुणित संख्या या एक पूरे सेट को जीनोम कहते हैं, यानी जो 23 है जिसमें किसी की डबलिंग नहीं है बल्कि हर गुणसूत्र एक एक उपस्थित है, सभी सेट है, उसको हम जीनोम कहते हैं। तो किसी भी प्राणी का जीनोम वह गुणसूत्र होता है जो मूल रूप से बिना दोहराए हुए सभी जो हर एक गुणसूत्र हैं वो सभी उपस्थित हैं, या अगुणित संख्या को ही हम किसी प्राणी में पाए जाने वाले टोटल अगुणित गुणसूत्रों को हम जीनोम कहते हैं।
जिसमें सभी द्विगुणित सेट के एक एक गुणसूत्र शामिल होते हैं। तो ये जीनोम होता है, ये संख्या होती है। अब पर्टिकुलर प्राणियों में इनकी संख्या की बात करें तो अलग अलग प्राणियों में जो इनकी संख्या है वो अलग अलग होती है, किसी में कम होती है तो किसी में थोड़ा ज़्यादा होती है। जैसे कि जो एस्केरिस है, काफ़ी छोटा प्राणी है और हमारी आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है, तो इसमें जो है अगर हम संख्या की बात करें तो जो एस्केरिस होता है, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स में केवल दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि इसके दो गुणसूत्र में ही इसके सारे जीन स्थित होते हैं और ये भी इसकी जो सोमैटिक कोशिका है उसकी बात कर रहे हैं। यानी अगर अगुणित सेट की बात करें, इसके जीनोम की बात करें, तो वो एक ही होती है। अब अगर तो ये काफ़ी कम है, या हम मान सकते हैं कि एस्केरिस वो प्राणी है जिसमें काफ़ी या सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या वाले प्राणी की बात करें तो यह होता है एक रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ है, आउला कैंथा। जो रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ है, रेडियोलेरिया प्रोटोजोआ संघ का एक ऑर्डर है और इसका एक सदस्य है आउला कैंथा। इसमें जो है वो कुल 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 1600 गुणसूत्र होते हैं इसके सोमैटिक सेल में, आउला कैंथा में। तो यह वैसा प्राणी है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो एक कोश के प्राणी है, यानी बहुत सूक्ष्मतम जीव है, उसमें 1600 गुणसूत्र हैं, और जो एस्केरिस जैसा बड़ा प्राणी है उसमें केवल दो ही गुणसूत्र हैं। तो जबकि मनुष्य में कुल 46 हैं, जो मनुष्य है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें यह 46 होता है, 46। तो इस तरीके से साइज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि इसका संबंध कोशिकाओं से। तो और हम लोग कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट को देखते हैं, जैसे कि जो गार्डन पी होती है, पाइसम सेटाइवम। गार्डन पी में कुल 14 ऐसे गुणसूत्र होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा टोबैको यानी तंबाकू की बात करें तो इसमें 48 गुणसूत्र होते हैं। प्याज की बात करें, यानी ओनियन एलियम सीपा की बात करें, तो इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। और गन्ने की बात करें या पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें, तो इसमें भी 48 हैं। शुगर केन यानी सैकारम ऑफिसेरम की बात करें, शुगर केन में ये काफ़ी ज़्यादा होता है और ये है 80, यानी 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुछ अगर हम लोग एनिमल को देखें तो एनिमल में जो फ्रूट फ्लाई है, कई बार नीट के एग्जाम में ये पूछा गया है, तो फ्रूट फ्लाई में ये जो होते हैं वो 8 हैं, 8 गुणसूत्र हैं। इसके अलावा एस्केरिस की बात हम लोग कर चुके हैं, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड। और यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है, ये एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड नहीं है बल्कि ये निमेटोड ही है, एस्केरिस मिगेलोसिफेलस है। एस्केरिस मिगेलोसिफेलस में केवल दो गुणसूत्र होते हैं, सबसे कम संख्या होती है, जबकि एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स में
ये ज़्यादा होती है यानी कि 24 होती है, 24 है। तो एक ही फाइलम के दो सदस्यों में ये विभिन्नता है, लम्ब्रिकॉर्ड्स में 24 है जबकि मेगालोसिफेलस में 2 है ये। और अगर हम लोग जो घरेलू मक्खी है मस्का डोमेस्टिका की बात करें, मस्का डोमेस्टिका की, तो इसमें कुल हैं 12 गुणसूत्र, 12 गुणसूत्र हैं। और जो है मच्छर की बात करें, मच्छर में क्यूलेक्स पाइपेंस की बात करें, क्यूलेक्स पाइपेंस जो है इसमें कुल 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा मेढक की बात करें, फ्रॉग यानी राना टिग्रीना की, तो फ्रॉग में कुल हैं 26 गुणसूत्र। और बर्ड की बात करें कोलंबा लीबिया की, कोलंबा लीबिया की, तो इसमें 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इनमें इनमें भी काफ़ी विविधता है। जैसे एक ही संघ में हम लोगों ने देखा एस्केरिस मिगेलोसिफेलस में 2 हैं जबकि एस्केरिस लम्ब्रिकॉर्ड्स में 24 है। और इसके बाद निमेटोड के बाद जो आर्थोपोड आता है फ्रूट फ्लाई, ये आर्थोपोडा में है, इसमें 8 पाए जाते हैं। मस्का डोमेस्टिका में 12 हैं, क्यूलेक्स जो कि आर्थोपोड है इसमें 6 हैं, प्राग जो है इसमें 26 हैं जबकि कोलंबा लीबिया में 80 हैं। तो अगर आर्थोपोड की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोजोआ से ये थोड़ा सा इसकी संख्या बढ़ती है, जबकि वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें प्राग से प्रोटोजोआ से आगे बढ़ने पर ये घटती जाती है, यानी आर्थ्रोपोडा तक हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये घट रही है आर्थ्रोपोडा तक, जबकि वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें आगे बढ़ने पर बर्ड्स में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फ्रॉग में काफ़ी कम है और बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से जो है ये इनकी संख्या की बात हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इनकी संरचना को देखेंगे और